हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और फोकस लगा रहे होंगे कि इस बार कहीं ना कहीं बाजी मार ले, ठीक है। और हम भी ये उम्मीद करते हैं और हम भी आशा करते हैं कि आप लोग जो है ना एक अच्छी जगह जो है ना जल्दी से जल्दी पोस्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तैयारी के बीच में एक और नया वैकेंसी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो कि है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कॉन्स्टेबल का वैकेंसी निकला है, ठीक है ना। तो इसमें हम सब कुछ जानकारी देंगे। एक बहुत बड़ी जो है ना अभी लोगों बच्चों के मन में जो है ना यह समस्या है कि क्या इसको सभी भर सकते हैं या सिर्फ हिमाचल वालों के लिए है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि नहीं ऑल इंडिया के लिए है, तो वो गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ की जानकारी देंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो चलिए जानते हैं सब कुछ। तो वैकेंसी कहाँ निकली है आपको, HPSC वैकेंसी 2024 यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। पोस्ट का नेम है हमारे पास कॉन्स्टेबल। टोटल पोस्ट का बात करें तो 1088 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 708 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 380 पोस्ट है, क्लियर है। अब चलते हैं अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट का जो है लास्ट डेट है आपका 31/10/2024, यानी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। 31 अक्टूबर तक रहेगा अप्लाई करना, तो आप पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन फीस का बात करें तो एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, ठीक है, चलो। एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपीज, वही एससी एसटी और बीपीएल के लिए 150 रुपया, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, नील है, 0 रुपीज, ठीक है। एज लिमिट कब से नापा जाएगा, तो देखिए 1/10/2024 से, ठीक है। मिनिमम एज आपका 18 वर्ष और अधिक से अधिक आपका 26 वर्ष एज रखा गया है, ठीक है ना। हाँ, इसको ओबीसी और एससी एसटी को जितनी छूट मिलती है वो मिलेगा, ठीक है। और कितनी छूट मिलेगा, तो इसका जो है ना हम क्या बोलते हैं इसको, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कैटेगरीज वाइज वैकेंसी। तो देखिए जनरल मेल के लिए आपके पास 281 और फीमेल के लिए 168 सीट, ओबीसी के लिए 145 सीट और फीमेल के लिए 72 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 81 सीट और फीमेल के लिए आपका 35 सीट, वही एससी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 168 सीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके पास 85 सीट। बात करें एसटी के लिए, तो एसटी वालों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए है 33 सीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 20 सीट, क्लियर है। अब है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपको 12th पास होना अनिवार्य है, 12th पास बच्चा, ठीक है ना। लेकिन साथ में एक कंडीशन लगाया है कि एचपी का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। मतलब अगर ये डोमिसाइल लगा दिया तो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के बच्चे ही इसको भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इसको नहीं भर सकते। तो जो लोग बता रहे हैं ना कि ये ऑल इंडिया के लिए है, वो गलत बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चलिए। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में पीईटी और पीएसटी दोनों होगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास रिटेन एग्जाम के बारे में। तो 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 नंबर का होगा, टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा मार्क्स के बारे में। तो रिटेन एग्जाम आपका 90 नंबर का होगा, हाइट आपको 6 नंबर मिलेगा, हाइट आपका, ठीक है ना, हाइट के लिए भी 6 नंबर। अगर आपको जो है ना हाइट अगर ज्यादा है तो उसके लिए, जैसे 5.7 से ज्यादा अगर आपका हाइट है ना तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर उसके लिए अलग से मिलेगा। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल के बारे में, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज है। तो देखिए इधर है मेल कैंडिडेट और इधर लिखिए हम लोग फीमेल कैंडिडेट। तो देखिए कम से कम हाइट 5'7" होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 5'3" होना चाहिए, क्लियर है। रेस होगा 1500 मीटर के लिए 5:30 दिया जाएगा, वही फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर का दौड़ होगा, 3:45 में पूरा करना होगा, ठीक है। अब है आपके पास हाई जंप।
तो एक 1.35 मीटर का जंप होगा मेल के लिए और फीमेल के लिए 1.10 मीटर होगा, ठीक है। 100 मीटर वाला भी रेस है अलग से, जिसको मेल कैंडिडेट को 14 सेकंड में पूरा करना है और फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर का रेस 17 सेकंड में पूरा करना है, ठीक है। डिस्टेंस कम नहीं है, टाइम थोड़ा सा फीमेल के लिए बढ़ाया है। अब है आपके पास ब्रॉड जंप, तो देखिए मेल कैंडिडेट को 4 मीटर का ब्रॉड जंप लगाना पड़ेगा और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए ब्रॉड जंप है आपके पास 3 मीटर का करना पड़ेगा जंप, ठीक है ना। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो इतना ही, और हम इसमें जितना कुछ आपका नोटिफिकेशन में था सबका निचोड़ हम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।